वो दूर उस घाटी में जो बस्ती देख रही हो ना साहब, वही मेरा घर था। मेरा बाप वहीं चाय के बागानों में काम किया करता था। वर्कर लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। यूनियन का बड़ा लीडर था ना, और बहुत मददगार इंसान भी। मुझे तो मेरे बाप से बहुत मोहब्बत मिली साहब, बहुत मोहब्बत। वो सामने वो पेड़, उस पर मोटी सी रस्सी का झूला और नन्ही सी मैं। मेरा बाप मुझे उस झूले पर बिठा के ऐसी जोरदार पेंगे मारता था कि झूला ऊपर और ऊपर और ऊपर, झूला साय साय साय। झूला जब नीचे आता है तो पेट में कैसा लगता है ना साहब। बहुत अच्छे दिन थे साहब, बहुत अच्छे दिन थे। फिर एक दिन पुलिस आई और मेरे बाप को पकड़ कर ले गई। और तो और कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई साहब, एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। क्या उम्र रही होगी मेरी, इतनी सी उम्र, इतनी सी। मैं रोती रही, बिलखती रही, मगर मजा न जो किसी ने एक बूंद पानी तक पूछा हो। फिर रात आई तो भूख लगी। भूख जब लगती है तो पेट में कैसा लगता है ना साहब, जैसे जंगली जानवर अपने पंजों और जबड़ों से नोच रहा हो। इंसान पागल हो जाता है साहब, इंसान पागल हो जाता है। फिर मैंने देखा एक कुत्ता वहीं बैठा है जहां मेरा बाप मुझे झूला झुलाया करता था। वो कहीं से एक रोटी का टुकड़ा लाकर चबा रहा था, चबड़। फिर क्या था, मैंने उठाया पत्थर और दे मारा कुत्ते। कुत्ता भागा मैं भागी। और भागने में कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा गिरा और मैंने लपक कर उसे उठा लिया। उस दिन से ऐसा लगता है साहब जैसे किसी ने इस धरती और आकाश पर लिख दिया हो, देख रही मुन्नी अगर जीना है तो मारना सीख, अगर जीना है मुन्नी तो छीनना सीख। अब तो यही लगता है साहब, अब तो यही लगता है, यही सच है और यही सच्चाई है।